अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कयामत के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि इफ्रा का सामना जवाद से होता है। तो इफ्रा जवाद से कुछ कहे बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। तो जवाद इसे कहता है कि कब तक तुम मुझे इन तमाम बातों का कसूरवार समझोगी, मेरा यकीन करो ये सब मैंने सना के लिए किया था। जिस पर इफ्रा कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कसूर नहीं है। और बात रही सना की तो उसकी मैं परवरिश जरूर करूंगी। जवाद इफ्रा से बहुत शर्मिंदा होता है। जवाद की बुजदिली की वजह से इफ्रा को अपनी तमाम ख्वाहिशात को तरक करना पड़ा। दोस्तों अगले सीन में आप देखेंगे कि राशिद इफ्रा से कहता है कि कब तक तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा रहेगा, तुम्हें कभी तो मुझे अपना शौहर मानना पड़ेगा। इसके जवाब में इफ्रा कहती है कि ये तुम्हारी भूल है, जो कुछ भी तुमने मेरी बहन के साथ किया इसकी जान तक ले ली। मेरी मासूम बहन तो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। ये बात सुनकर राशिद काफी शर्मिंदा होता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने समरा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया और उसकी जान भी ले ली। राशिद इफ्रा की वजह से अपनी गलतियों को सुधारेगा, खुद को चेंज करने की कोशिश करेगा। दोस्तों मजीद ड्रामा प्रोमोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।